सा बोर्ड पढ़ लिया यस सर मन सर इट्स फाइन पोस्ट बना दीजिए मुझे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा. हाँ रिकॉर्डिंग होना ठीक है. रिकॉर्डिंग इज एनेबल्ड व्हेन यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड इफ यू क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन राइट यू कैन स्टॉप द ओके रिकॉर्डिंग आल्सो या ओके एंड व्हेन यू वांट टू गो अहेड विद द रिकॉर्डिंग अगेन एनेबल द रिकॉर्डिंग. ओके ओके फाइन फाइन सर. ओके थैंक यू. हेलो सर. आज कौन सा पढ़ाओगे मतलब कौन से टॉपिक? आज आज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस. पोटेंशियल जो डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल बचा होता ना वो और कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे फिर. जस्ट मिनट बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते फिर स्टार्ट करते हैं. ओके हम लोग लास्ट क्लास में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर लिए थे. आज हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे. Okay, so write the heading. हम लोग सब पढ़ेंगे कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है ये सब चीज देखेंगे. बिल्कुल एनसीईआरटी वाला मेथड.
हम लोग कॉलेज लेक्चर में आराम से वो लगा दूसरा मेथड यूज किए थे उसमें जेई लेक्चर्स में, तो हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी वाले मेथड पे स्टिक करेंगे. तो लेट्स से हमारे पास दो चार्ज है, लेट्स से दिस इज, ये दोनों चार्ज है, वन इज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है. प्लस क्यू और माइनस क्यू एक डायपोल क्रिएट करेगा. लेट्स से इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है. और यहां से मुझे, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्टिक कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इसके सेंटर से, ये जो डायपोल है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे और एट एन एंगल थीटा मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है. लेट्स से दिस इज r1 एंड दिस इज r2. अब तुम लोगों को मैथ्स में cos थीटा का फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर cos a लिख लो ज्यादा बेटर है. cos ऑफ एंगल a इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. ये तुम लोगों को याद होगा, कोसाइन रूल, राइट अथर. तो हम लोग यहाँ से R1 और R और A में रिलेशन ढूंढते हैं, R1 R A में, R2 R A में, ऐसा कुछ रिलेशन ढूंढना को कोशिश करते हैं. तो लेट्स से मैं कुछ नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को, सो दैट अपना चीजें आसान हो. लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज C, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. सो हम लोग इन ट्राइंगल BC, हाँ, कोसाइन रूल, इन ट्राइंगल AOC, AOC में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देखो यहां पर क्या है, ऐसा अगर मेरा ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज A, तो ये स्मॉल A होता है, If this is B, तो B के अपोजिट वाला स्मॉल B होता है और C, C के अपोजिट वाला स्मॉल C होता है. तो अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं तो क्या आएगा, cos थीटा इज दिस लेंथ इज A, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2AR. ये हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, और यहां से हम लोग को मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज R1 square is equals to A square plus R square minus 2AR cos theta. हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. तुम लोग पूरा कॉलेज एग्जाम में जब सो करना तो पूरा सो करना. Similarly, मैं बिल्कुल NCERT वाला मेथड स्टिक कर रहा हूँ. Similarly, इन ट्राइंगल, अपना जब कॉलेज वो जेई वाला होगा तो इतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करके. इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब देखो ये एंगल कितना होगा, जस्ट अ मिनट, मीटिंग पासवर्ड, ओके एक मिनट यार, मैं सबको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज देता हूँ. ओके मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लूंगा. हाँ, मैंने क्या किया कि दो पॉइंट था मेरे पास, जिससे मेरे पास दो पॉइंट चार्ज था, ये प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, और मुझे इसके, ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू ऑफ सेपरेशन टू है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू टू है. मुझे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एट एन एंगल थीटा पोटेंशियल बताना था, तो मैं वो देख रहा हूँ. मैंने कोसाइन रूल सबसे पहले यूज किया, कॉस ए इज, इस ट्राइंगल कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन 2bc ये मैथ्स में फॉर्मूला था तो मैंने इस ट्रायंगल में यूज किया इन ट्रायंगल AOC इस ट्रायंगल में cos थीटा विल बी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2ar इस फॉर्मूला से और उसको सिंपलीफाई करके r1 स्क्वायर निकाल लिया Similarly, in triangle BOC, ये एंगल कितना आएगा ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन 2ar cos 180 minus theta is minus cos theta this implies minus cos theta is equals to r square plus a square minus r2 square is 2ar ko is side le aate hain to ye ban gaya minus 2ar cos theta or this implies r2 square is equals to r square plus a square plus 2ar cos theta mujhe r1 aur r2 in terms of r and a mil gaya sir ha sir hum ye jo expression hai wo hum vector wo summation wale formula se bhi leke aa sakte hain na ha usse bhi leke aa sakte ho basically wahi hai बट जब ऐसे कॉलेज लेक्चर में तुम मतलब कॉलेज एग्जाम में तुमको देना पड़ेगा ना तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ इस पे स्टिक किया तुम इसको डायरेक्ट मतलब राय जब तुम जेई लेक्चर में किए थे तो क्या किए थे हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे उससे और ज्यादा आसान हो जाएगा डायरेक्टली इतना मेहनत भी नहीं पड़ेगा यार तो नोट कर लो मैं तुमको ये साइड सब भी शेयर कर दूंगा कॉलेज में कोसाइन रूल ही लगाना पड़ेगा हाँ एनसीईआरटी में कोसाइन रूल लगाया है कोसाइन रूल लगा लेना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो लेकिन पता नहीं यार मतलब वो टीचर मार्क्स देंगे नहीं देंगे आई डोंट नो तो इसलिए बेटर है क्योंकि सबसे आसान मेथड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला है सबसे बेस्ट मेथड है सीधा आ जाता है आंसर ओके डन नहीं सर एक मिनट ओके ओके फाइन हाँ सर हो गया सबका हो गया यस ओके अब मैं ये दोनों एक्सप्रेशन देख रहा ना साथ साथ मैं डायरेक्टली इसका यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास आया था आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा आर वन स्क्वायर ये आया था तो यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लू तो क्या बचेगा वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सिमिलरली आर टू एक मिनट सिमिलरली आर टू स्क्वायर क्या होगा आर टू स्क्वायर वाज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा ये अपना रिलेशन आया था इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू वन प्लस टू ए कॉस थीटा बाई आर प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अब हम जनरली कंसीडर क्या करते हैं कि ए इज मच मच लेस देन आर
कंसिडर क्या करते हैं, ए इज मच मच लेस देन आर, जो दोनों के दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है आर से. तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा अपना नेगलेक्ट. सिमिलरली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा नेगलेक्ट. तो हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा आर वन. अच्छा वन यहां से हम लोग क्या करते हैं, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन माइनस 2a cos theta by r, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 by r1 is equals to 1 by r into 1 minus 2a cos theta by r to the power minus half. ऐसा कुछ लिख सकते हैं. Just a minute, मैं अगर इसको बॉक्स बना के एक मिनट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट. हाँ तो वन बाई आर वन को हम लोग कैसे देख सकते हैं, अब इसको सिंपलीफाई कर दो. वन बाई आर वन तुमको बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा ये वाला टर्म को बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो. ये दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वन बाई आर वन इज इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू वन प्लस ए cos theta by r. ये अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, 1 by r1 is equals to ये अपना आ जाएगा. सिमिलरली अगर तुम 1 by r2 निकालो, सिमिलरली अगर तुम लोग 1 by r2 निकालो तो ये आ जाएगा 1 by r into 1 minus a cos theta by r. सेम तरीका यूज करना. ठीक है, R1 और R2 दोनों 1 by R1 और 1 by R2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया. लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B. याद है नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आते हैं. नीचे के one by R कैसे आया, मैं टॉपिक अरे अपना वही चल रहा है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ये यहां से स्टार्ट किया था मैंने, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. हाँ नेक्स्ट है वन बाई आर कैसे आया. ये वाला एक्सप्रेशन देखो, आर वन स्क्वायर इज आर स्क्वायर इंटू वन माइनस ये. अब मैंने क्या किया, एक तो स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड और उल्टा करके लिख दिया. स्क्वायर रूट लिया तो क्या बना, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, जस्ट समझो, ये बन जाएगा आर वन इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर टू द पावर हाफ, और इसको मैंने इन्वर्स करके लिख दिया. तो मुझे बेसिकली के क्यू बाई आर होता है ना पोटेंशियल, इसलिए मैंने वन बाई आर वन और वन बाई आर टू निकाल रखा है. Okay then. Okay, वापस से इस स्लाइड पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या था, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू. पोटेंशियल एट सी क्या होगा, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू. तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल जो आएगा दैट विल बी KQ by R1 minus KQ. Just a minute. Minus KQ by R2.
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, के क्यू कॉमन ले लो, 1/r1 - 1/r2, ये अपना पोटेंशियल आ गया। मैंने 1/r1 और 1/r2 दोनों का वैल्यू निकाल रखा है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा, और दिस इंप्लाइज के क्यू, 1/r1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1/r + a cos theta by r square - 1/r + a cos theta by r square, तो ये बन जाएगा k q 2a cos theta by r square। r square क्यों, ये जो r है ये अंदर जाएगा ना, यहाँ वाला जो r है, जस्ट अ मिनट, यहाँ वाला जो r है ये अंदर जाएगा तो इसके साथ r square बनाएगा ना, इसको मैं अंदर ले गया ना, स्ट्रेस समझ में आया, आर स्क्वायर ओके फाइन। अब क्यू इंटू टू ए क्या बन जाएगा, क्यू इंटू टू ए, जस्ट अ मिनट, अगर मैं ऑल व्हाइट बोर्ड देखूं, हम लोगों का यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट ही होता है। तो इस क्वांटिटी को, ये वाला जो चीज है अपना क्यू इंटू टू ए, इसको हम लोग पी लिख सकते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ तब सही है, हो जाएगा तो बताना। Where do we use dipole in physics? Dipole हम लोग का बहुत जगह हो रहा है, जैसे कहीं भी ऐसा सिस्टम बन रहा है कि दो चार्ज हो रहा है तो वो अपना डाइपोल क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में तुम अगर देखो डाइपोल कहाँ बनेगा, somehow अगर तुम्हारे पास ऐसा डाइपोल इज बेसिकली सिस्टम, यस, somehow तुम्हारे पास अगर ऐसा सिस्टम बने जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, या फिर ऐसा कोई जहाँ पर दोनों चार्ज इक्वल हो, तो उसको हम लोग डाइपोल जैसा ट्रीट करके अपना जो सिचुएशन है वो सिंपल कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, p cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वली डाइपोल का डेफिनेशन ही है ना, दो चार्ज, टू चार्ज विच आर हैविंग इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन साइन, इसको हम लोग डाइपोल बोल रहे थे, और दोनों के बीच में सेपरेशन कम होता है। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो,
some features of electric potential of a dipole. Electric potential due to dipole. ये सब याद कर लेना. अच्छा देखो, हम लोग का जितना भी हम लोग पोटेंशियल पढ़े वो के क्यू बाई आर था, लेकिन यहाँ पर देखो पोटेंशियल क्या आ रहा था, के क्यू बाई के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आ रहा था. नहीं सर, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ. यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर से वैरी कर रहा है. हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट डज नॉट जस्ट आवर नहीं है, एक मिनट में, डज नॉट जस्ट डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर जस्ट ऑन R, but also on the angle between the position vector and dipole moment vector. अभी ठीक है, ये अपना हो गया first point. First. देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तो सीधा तुम लोग याद कर सकते हो. वन बाई आर स्क्वायर नॉट एज वन बाई आर. तो अपना एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है और 1 बाई आर का फंक्शन आ रहा है, ये दो चीजें.
मैंने लास्ट क्लास में शायद इक्विपोटेंशियल सरफेस कवर कर लिया था। हाँ सर। के क्यू वन टू यस ओके जस्ट अ मिनट के क्यू वन क्यू टू बाई आर इसमें भी वन बाई आर आता है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी भी के क्यू वन क्यू टू बाई आर है ना वो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा था वो भी वन बाई आर से फॉल करता है। फॉल करता है इन द सेंस किसी ने मुझसे पूछा फॉल करने का क्या मतलब है जो पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल है के क्यू बाई आर ठीक है। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये क्वांटिटी क्या होगा आर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी घटेगा तो इसलिए ये ऐसा कुछ फॉल करेगा इसलिए मैंने पोटेंशियल फॉल ऑफ लिखा है यहाँ पर लिखा है ना फॉल्स ऑफ तो इसलिए मतलब डिक्रीज हो रहा है इसलिए फॉल फॉल्स ऑफ हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी पढ़ लिया था। ओके सक्षम देखो मैंने यहाँ पर देखो क्या देखा पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर ठीक है पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है और यहाँ पर क्या आ रहा था इस वाले एक्सप्रेशन में ये देखो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आ रहा था ये वाला पॉइंट kp cos theta by r square आ रहा था तो 1 by r square पे fall कर रहा है और second चीज ये theta पे depend कर रहा है ये दो point आ रहा है तो वही दोनों point मैंने यहाँ पे लिखा है the potential due to dipole depends not just on r but also on the angle between the position vector and dipole moment vector और electric dipole potential falls off कैसे हो रहा है वन बाई आर स्क्वायर से फॉल कर रहा है बाकी जनरली में क्या होता है वन बाई आर से फॉल करता है तो ये दोनों डिफरेंस है बाकी सबसे। ओके ओके एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है वो तुम लोग ड्रॉ कर लो बस ये वाला था इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल ये कैसा होता है अगर डाइपोल है डाइपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज और दिस इज नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सर्कल्स होता था ऐसा और ये माइनस के कारण भी ऐसा लेकिन जब बीच में आएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर प्लस के कारण पोटेंशियल और माइनस के कारण पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो ये अपना ऐसा सर्कल्स फॉर्म करता है दोनों ये भी ऐसे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है जस्ट अ मिनट मैं ये वाला इरेज कर दूं ये थोड़ा ऐसा बनता है पीछे की तरफ थोड़ा ऐसा आगे चला जाता है ऐसा कुछ इस तरह बनता है वही अगर हम लोग दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण देखें तो कुछ और बनता है ये याद रखना सर आप बोर्ड पर लिख रहे हो क्या कुछ यार बोर्ड तो है ही नहीं मेरे पास सक्षम नहीं नहीं सर आप वो इस पर वाइट स्क्रीन पर कुछ लिख रहे थे मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे
लास्ट के बस वो दो सेंटेंसेस आपने लिखे वो दिख रहा है, उसके बाद का कुछ नहीं दिखता। इक्विपोटेंशियल सरफेस सब नहीं दिख रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल नहीं, बाकी लोग को दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। वो जो लोडिंग वाला स्क्रीन का जो आता ऑप्शन वही चल रहा था सर। अच्छा सक्षम, बस मैंने एनसीईआरटी कहीं लिखा है, एक बार एनसीईआरटी खोलो, उसमें बिल्कुल सेम बना रखा है, या फिर तुम उसका वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है? ठीक है। ओके सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तुमको बस मैं बता रहा हूँ कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, अब केवल पॉजिटिव चार्ज होता है श्रेयस, केवल अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो मुझे पता है कि सारे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, तो ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो वैसे ही अगर मेरा डाइपोल है, अगर मेरा डाइपोल है तो एक प्लस है, ये माइनस है, तो डाइपोल में क्या होता है, प्लस के अराउंड अपना सर्किल बनता है इक्विपोटेंशियल का, और माइनस में अपना सर्किल बनता है इक्विपोटेंशियल का, और ये थोड़ा डिस्टॉर्ट होता रहता है इस साइड। तुमको बस ये डायग्राम याद रखना है। ओके डन सर, एक मिनट बस। हाँ सर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं हम लोग, अगर दोनों चार्ज इक्वल होगा तो। नहीं, जैसे कि ये प्लस माइनस है तो हमने पढ़ा ना केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो फिर जो बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें भी तो पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब अगर ये परफेक्ट डाइपोल बन रहा है ना, मतलब डाइपोल वाला, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ही। मतलब मैं अगर जनरल केस के बता रहा हूँ, अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हुआ तो फिर बीच वाला वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। सर अगर इक्वल नहीं भी हो तो उनके लाइन पे कहीं तो होगा इक्विपोटेंशियल, मतलब हाँ इस लाइन पे एक पॉइंट होगा जहां पर होगा जीरो पोटेंशियल। सर परपेंडिकुलर में भी एक जगह हो ना? परपेंडिकुलर में भी होगा कहीं पे, मे बी होगा, मे बी नहीं होगा, नहीं नहीं होगा एक परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं होगा। सर बाइसेक्टर पे नहीं, बट दोनों के लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं पे तो हो सकता है। हाँ दोनों के लाइन अगर पॉजिटिव माइनस है फिर प्लस माइनस है फिर तो होगा ही बीच में कहीं पे। हाँ वो तुम लोग सीखे होगे निकालना कहाँ पे जीरो होगा, मतलब मैं भी शायद लास्ट क्लास में करवाया था। हाँ ठीक है, ठीक ओके नेक्स्ट आता है। पॉइंट टू अगेन कार्तिक, ओके रेस्ट सबमिट कार्तिक। पॉइंट टू ये वाला कार्तिक है, देखो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला हर जगह ये होता है के क्यू बाई आर, लेकिन इस केस में अपना क्या आया पोटेंशियल का फॉर्मूला, के पी बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये वाला के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर के क्यू बाई आर से नहीं फॉल कर रहा है, बट वन बाई आर स्क्वायर से फॉल कर रहा है पोटेंशियल। अच्छा डायमेंशन अलग आ रहा है या डायमेंशन सेम आ रहा है पोटेंशियल का ही? मेरा ये आया था ना फॉर्मूला, क्या आया था, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है या अलग है? सेम है सर, सेम है। पी क्या होगा, क्यू इंटू ए, क्यू इंटू टू ए बेसिकली, तो ये ए और इसका ए कैंसिल होगा और सेम डायमेंशन आ जाएगा। दो पोटेंशियल हमेशा सेम, हाँ उड़ जाते हैं, तो सेम आ रहा है डायमेंशन।
ओके नेक्स्ट आते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये कैसा होगा अगर ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है तो पहला वाला तो परफेक्ट. उसके बाद ये थोड़ा इधर की ओर डिस्टॉर्ट करता है. ये भी कुछ ऐसा बनता है. Okay, then. Next heading though. हाँ अगर दो नेगेटिव चार्ज होगा तो भी सेम ऐसा ही होगा. दो नेगेटिव चार्ज होगा तो भी सेम ऐसा ही आएगा. और पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम लोग देख लिया. जैसे मान लो ये डाइपोल है so this is plus q and this one is minus q or external electric field e present hai to kya hoga plus charge pe in the direction of electric field force lagta hai qe and minus charge pe in the direction opposite to the electric field force lagta hai qe let's say separation between the two charges is 2a is 2a. तो ये वाला जो फोर्स है ये वाला ये उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा सेंटर के रिस्पेक्ट में तो इसको इधर घुमाना चाहता है और ये QE जो है ये भी इसको इधर घुमाना चाहता है तो दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है. मैं क्या करूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा. तो अगर मैं पहले वाले के लिए देखूं तो अपना आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा तो टॉर्क जो आएगा इस वाले फोर्स के कारण दैट विल बी आर क्रॉस एफ इनटू साइन थीटा. सिमिलरली ये नीचे वाले कारण भी कितना आएगा सेम तो
टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? 2a कर रहे हैं तो फिर sin थीटा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? एक मिनट क्या सर, अगर हम पहले से ही क्रॉस कर रहे हैं तो हम साइन क्यों? नहीं नहीं, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं इनटू कर रहा हूँ. देखो मैं वेक्टर का साइन नहीं दिया हूँ कहीं पे. अच्छा, मैं क्रॉस नहीं किया हूँ, मैं इनटू किया हूँ. ठीक है, तो अब ये देखो क्या आ गया, 2aq, ये अपना डाइपोल मोमेंट बन गया, जिसको मैं p इंटू e इंटू साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं p क्रॉस e. हम लोग अगर यहां पर वेक्टर का साइन दे दें फिर ये गलत हो जाएगा. यहां पर हम लोग वेक्टर का साइन नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते सर? क्योंकि हम लोग फिर साइन थीटा भी लिख रहे हैं ना. अच्छा हाँ, तो अपना टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा p क्रॉस e. हो गया डन सर? एक मिनट. Okay, next. Out of the plane now. Torque, okay, wait. Torque out of the plane aayega ya into the plane aayega? Sridhar. आर की तरफ हाथ रखो, आर मतलब इसके लॉन्ग हाथ रखो राइट हैंड, और इधर फोल्ड करो. देखो थंब अंदर इनटू द प्लेन इंडिकेट करेगा ना. चलिए समझ में आ गया. E क्रॉस P क्यों नहीं सर? E क्रॉस P यार अपना वो है ना, P क्रॉस E है. हम लोग का 2aq पहले है. हम लोग यहाँ R फोर्स क्या होता है, सॉरी टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है ना. टॉर्क जो आता है वो क्या होता है, R क्रॉस F होता है ना. Is this formula valid if E is not uniform? No. अगर E uniform ही नहीं होगा तो हम लोग का यहाँ पर जो force है और यहाँ पर force जो है वो अलग अलग लगेगा.
तो मुझे हर इंस्टेंट पे वो अलग अलग आएगा, मतलब अलग एंगल पे टिल्ट होगा, मान लो ऐसे टिल्टेड हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अलग अलग आएगा, तो हम लोग को हर इंस्टेंट पे अलग अलग टॉर्क निकालना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. If E not in the same plane, electric field not in the same plane, फिर भी अपना वो देखेंगे R और E दोनों देख लेंगे. R ये है, मान लो E बाहर आ रहा है, तो R cross E किधर दे रहा है, इसको इधर की ओर टॉर्क देगा, वो सारे टॉर्क का डायरेक्शन देख के किधर घुमाना चाहता है. E ले ऊपर है, E मान लो ऊपर है, तो इस वाले चार्ज पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है, माइनस क्यू पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा. तो ये अब समझ में आ रहा है कैसे घूमेगा, वो फील कर लो, ये वाला पॉइंट ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट अंदर जाएगा, कैसे घूमेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता तो. ओके, राइट द नेक्स्ट हेडिंग. Classes till 2. Dipole current मुझे अब वो पढ़ना है कि उसका potential energy कितना stored हो रहा है वहाँ पे. तो dipole क्या करना चाहेगा? Dipole ऐसा है, ये let's say plus Q है, ये minus Q है, इस पर इधर की ओर force लग रहा था EQ और इस पर इधर की ओर force लग रहा था EQ. तो dipole क्या करना चाहेगा? ऐसे आना चाहेगा so that इस पर EQ और इस पर EQ इधर लगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, ऐसा आना चाहेगा, ठीक है. तो अगर हम लोग ऐसा लिखें कि टॉर्क जो है दैट इज P क्रॉस E, और मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds का इंटीग्रल. सिमिलरली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं रोटेटरी मोशन है जिसको हम लोग ऐसा लिख देंगे tau dot d theta का इंटीग्रल, ये हो जाएगा अपना वर्क डन. तो मान लो किसी theta 1 एंगल से theta 2 एंगल पे हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ t dot d theta theta 1 से theta 2 तक, ये अपना वर्क डन हो जाएगा. टॉर्क क्या था, mod of P mod of E sin theta d theta का इंटीग्रल, mod P mod E कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, mod P mod E इंटीग्रल ऑफ sin theta, इंटीग्रल ऑफ sin theta क्या आएगा, माइनस cos theta theta 1 से theta 2 तक. तो ये आ जाएगा मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और यही जो वर्क डन होगा, यही जो वर्क डन होगा कृष्णेंदु, P वेक्टर है, P का डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान देना, P का डायरेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में अलग होता है केमिस्ट्री में अलग होता है, सो ध्यान देना, फिजिक्स में किधर होता है, हाँ ये वर्क डन है, अच्छा ये वर्क डन लिखा गया है. Wait. अगर मैं इसको मिटाऊं ये पूरा मिट जाएगा. Wait just a minute.
हाँ ये वर्क डन है। वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या हो गया, PE cos theta 1 minus cos theta 2। अच्छा अब अगेन जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हाउ PE इट विल कन्वर्ट टू KE, ये जो अब देखो जब घूमेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा ना। मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैंने क्या माना था, ये वाला एंगल को थीटा माना था, ये वाला एंगल मैंने थीटा माना था, ठीक है। तो जब ये थीटा 90 होगा उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टेंडेंसी होगा, दोनों बिल्कुल अपोजिट फोर्स लगेगा और सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो जैसे हर केस में हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो डिफाइन कर देते हैं अपने मन से, तो वैसे ही इस केस में हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो, जस्ट अ मिनट, we define potential energy will be zero at मैं यहाँ पे एंगल लिख दे रहा हूँ, एंगल इज थीटा बेसिकली, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, फॉर्मूला आया था मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ ई कॉस थीटा वन माइनस cos theta 2, ये फॉर्मूला आया था। और मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट है theta 1 उसको मैंने क्या डिफाइन कर दिया, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ पी इज मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ ई इंटू cos 90 जीरो हो गया, तो माइनस cos theta 2, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस p dot e। अगेन ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, कोई भी एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मुरली यहाँ पर हम लोग डिफाइन किए हैं कि थीटा इक्वल टू 90 को पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन किए हैं, मतलब तुम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन डिफाइन करते थे ना, वैसे हम लोग कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन कर सकते हैं। बाय कन्वेंशन हम लोग इसको थीटा इक्वल टू 90 पे डिफाइन किए हैं। ओके प्रणय आराम से लिखो। Thank you.
Okay, done. कितने लोगों बहुत तो कुछ चल नहीं रहा है. ठीक है ओके ओके. नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक. अच्छा इसमें बुक एनसीईआरटी में 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, वो हम लोग लास्ट टाइम किए थे. तो नेक्स्ट हेडिंग दो. अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जिससे तुम लोग पढ़े होगे पोलर मीडियम के बारे में. एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो पोल है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, प्लस है माइनस है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है. प्लस माइनस ये रैंडम है बिल्कुल, प्लस किधर भी है माइनस किधर भी है. अब अगर हम लोग इस चीज में, इस वाले चीज में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डालें, अभी यहाँ पर क्या होगा कि नेट पोलराइजेशन जीरो होगा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. And absence of electric field, net polarization is zero. तो अभी ये अपना कोई भी अपना electric field नहीं देगा, ठीक है. लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक external electric field में डालें, जैसे मान लो ये है, मैं थोड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लियर होगा. मान लो इसको हम लोग external electric field में डाल दिए, तो क्या होगा, सारे प्लस चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, तो सारा प्लस चार्ज इधर जाएगा और माइनस चार्ज पीछे आएगा. ठीक है, प्लस माइनस ऐसा कुछ बन जाएगा. तो ये क्या करेगा, ये आगे की ओर प्लस है और पीछे माइनस है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ई डैश. तो क्या होगा, ये समझ में आ रहा है? ये इनसाइड का बात कर रहे हैं हम लोग, इनसाइड. इनसाइड विल बी ई माइनस ई डैश. एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ई डैश, तो अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई माइनस ई डैश होगा. ई डैश क्या है? ओके स्ट्रेस. ई डैश है कि ये देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. ये प्लस माइनस अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस तरफ, ये भी. तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जो है ना, ये प्लस माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है,
इसको मैं ई डैश लिखा हूं, ई डैश जस्ट हमने इस पूरे चीज को मैं ई डैश से रिप्रेजेंट किया हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, ई माइनस ई डैश। इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे, कंडक्टर के केस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक का बात करेंगे तो ई डैश जो होगा वो ई से कम होगा। इन केस ऑफ कंडक्टर ई डैश और ई इक्वल हो जाता है। बेसिकली इन केस ऑफ कंडक्टर क्या हुआ था, हम लोग देखे थे इन केस ऑफ कंडक्टर क्या हुआ था। अगर ये कंडक्टर का बात करें हम लोग, तो ये प्लस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ डालें तो इस साइड प्लस आ गया था और इधर माइनस आ गया था, और अंदर की ओर प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। और कंडक्टर के केस में क्या हुआ था, ई और ई डैश इक्वल हो गया था, ई और ई डैश इक्वल हो गया था, और हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो इलेक्ट्रिक। हाँ, और एक और पॉइंट बोला था कि ये हमेशा इसको परपेंडिकुलरली हिट करेगा। कोई बताएगा उसका लॉजिक क्या था, प्रणय? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हिट क्यों, परपेंडिकुलरली क्यों हिट करता है, ऐसा कुछ हुआ था कंडक्टर में? प्रणय शर्मा, क्यों परपेंडिकुलरली हिट करता है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई डैश होगा। हाँ मंग सही है सर। सर उसमें जो अभी ये नेगेटिव साइन है वो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना? नहीं समझा। वो जो आपने बनाया है उसमें वो आफ्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जब वो ऑर्डर में आ गए सारे, हाँ, तब ई डैश ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हुआ है ना? हाँ, ई डैश क्यों आया है, क्योंकि देखो इधर प्लस चार्ज है, मैं यहाँ पर प्लस चार्ज है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस चार्ज अगर पास में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है प्लस से माइनस की तरफ। हाँ ओके सर, समझा सर। उसके कारण वो मेरा ई डैश प्रोड्यूस हुआ नेट। हाँ ओके, समझ गया। प्रणय ने क्या आंसर दिया, अदरवाइज देयर विल बी कंपोनेंट ऑफ इनसाइड द कंडक्टर। तो उससे क्या होगा उमंग, अगर एक कंपोनेंट हो जाएगा ई का, उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने लगेंगे इनसाइड इनसाइड द कंडक्टर। नहीं, कुछ और होगा, नेट फोर्स ऑफ इन जीरो होगा व्हिच विल लीड टू मूवमेंट अगेन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। एग्जैक्ट आंसर चाहिए यार, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये दोनों में से कोई भी। उमंग ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अथर, अभी अथर सही है। तो इनसाइड का हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं वापस से उस स्लाइड पे आ रहा हूं। अगर इसको परपेंडिकुलरली नहीं हिट किया तो इधर की ओर एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द सरफेस, और अलोंग द सरफेस अगर कंपोनेंट होगा तो यहां पर जो चार्ज होगा, यहां पर जो चार्ज होगा माइनस चार्ज, ये मूव करने लगेगा पीछे की तरफ, ये नहीं होता है, ठीक है? तो अलोंग द सरफेस फोर्स आ जाएगा, और अलोंग द सरफेस फोर्स आएगा तो चार्ज मूव करने लगेगा, लेकिन ये सिचुएशन नहीं होता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलरली हिट करता है और परपेंडिकुलर वहां से निकलता है। इसका प्रॉपर डिवीजन तुम्हारे बुक में लिख रखा है, वो छह पॉइंट लिख रखा है बुक में, वो छह पॉइंट डायरेक्टली याद कर लेना, पांच छह पॉइंट। उसमें से मैंने आई थिंक सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग छोड़ के। ओके प्रणय, फिर से बता रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर करके एक टॉपिक है तुम्हारे 2.9 एनसीईआरटी में, उसमें पहला है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एट द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट, ये भी डिस्कस हो गया. द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, अगर एक्सेस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होता है. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. फिर सर्फेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप, गॉस लॉ वाले में डिस्कस किए थे. और एक बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है. ओके प्रणय, ये वापस से समझाना था. देखो प्रणय, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा बड़ा सा है. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है ये इसको ऐसे हिट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिट किया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर होगा. ये मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक नॉर्मल है और एक टेंजेंट है. तो नॉर्मल के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंजेंट के कारण क्या होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा उसके कारण यहाँ पर जो चार्ज आया होगा माइनस चार्ज, यहाँ पर जो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उस माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा. उस माइनस चार्ज पे अलोंग द सरफेस फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो ये माइनस चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा. लेकिन एट इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेबल होता है, एट इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेबल होता है, तो ये सीन हम लोग का हो नहीं सकता है. प्रणय तुमने बोला था, जस्ट अ मिनट, नेट, प्रणय तुम्हारा आंसर था नेट फोर्स ऑब्टेन होगा विच विल लीड टू मूवमेंट अगेन. तुम डायरेक्शन मेंशन करना है जरूरी है कि किस तरफ नेट फोर्स होगा, टेंजेंट के लॉन्ग या किधर. सरफेस पे चार्ज मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो तुमको सरफेस पे मेंशन करना होगा. ओके वापस से लास्ट स्लाइड पे आ रहे हैं. ये था अपना लास्ट स्लाइड. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश प्रोड्यूस हुआ डाइइलेक्ट्रिक के कारण. तो अगर कभी भी हम लोग का डाइइलेक्ट्रिक रखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से. ये डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट को हमेशा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करेंगे. अब के क्या है, के इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा और इसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और इसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा. एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, बस मुझे एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करना है बस. तब रिप्लेस करते हैं, अगर डाइइलेक्ट्रिक होगा ना आयुष, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ. जैसे ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9, इसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तुमको ये क्वेश्चन में दे रखा होगा. अब जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4π. मुझे एप्सिलॉन नॉट क्या करना है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देना है बस, इनटू क्यू
बाई आर स्क्वायर, बस ये आंसर हो जाएगा। मुझे एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। सर सिमिलर, हाँ सर, अगर उसके बीच का डिस्टेंस सपोज आधा डिस्टेंस जो है वो से भरा है और फिर आधा सब्सटेंस मतलब आधा बाकी का आधा डिस्टेंस कोई और मीडियम से भर दिया, तो फिर उसके इसमें क्या करोगे? तो इतने दूर में मेरा परमिटिविटी इतना अलाउ कर रहा है, दूसरे में कुछ अलग अलाउ कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आधा आधा में रखा है, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि लेट्स से ऐसा कुछ सिचुएशन है कि इतने दूर में k इक्वल टू 9 है और इतने दूर में k इक्वल टू 3 है, यहाँ पर चार्ज है, मुझे यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ तक में 1/epsilon0 आएगा और उसके बाद अच्छा अगर हम लोग इसका ग्राफ बना के देखें तो अपना कुछ अगर बन सकता है, तो जैसे मैं यहाँ अगर इस रीजन का बात करूँ डायल ये वाले रीजन का, तो इसमें क्या होगा 1/4π9ε0, तो ये कुछ 1/9 का फैक्टर आएगा, तो ये कुछ फॉल करेगा ऐसा और उसके बाद फिर 1/3 का फैक्टर आएगा तो थोड़े कम रेट से फॉल करेगा ऐसा कुछ। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, नहीं चलो एक बार ये मैं बताता हूँ रायत क्या होगा यहाँ पे अगर ऐसा दो अलग अलग मीडियम रहा ना, तो फिर मुझे क्या करना होगा ये मैं तुमको बताता हूँ। जैसे जनरली कभी आया नहीं है ऐसा कुछ सर, वो एक्चुअली एचजी वर्मा में मैंने देखा था कि उसने आर के अंदर डाल दिया था के को। हाँ हाँ, उसने एचजी वर्मा क्या किया था शायद ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे पेंडुला में उसको पानी में डाल दिया था, ये वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हो? सर नहीं, एचजी वर्मा के मतलब उसका एक्सप्लेनेशन में उसने एक्चुअल फॉर्मूला दे रखा था कि जब डायरेक्टेड कांस्टेंट देते हैं तो मतलब वो कैसे लो डी के अंदर, मुझे समझा नहीं एग्जैक्टली कि डी के अंदर क्यों चला गया था, इसलिए पूछ रहा था। ओके चलो ठीक है, वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि क्या सीन है वहाँ उसके, ठीक है सर मैं ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है चलो वो देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जब भी रखेंगे हम लोग क्या करना होगा, एक के से एप्सिलॉन नॉट को हम लोग को एक के से रिप्लेस कर देना होगा और ये के एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ठीक है। हम लोग कैपेसिटर में प्रूफ कर देंगे कि कितना कितना चार्ज वो होता है, डाइलेक्ट्रिक के फेस पे कितना चार्ज आ जाता है, क्या क्या चीज आता है, वो हम लोग कैपेसिटर में प्रूफ करेंगे। अभी तुम लोग क्या करोगे, पेज नंबर 72 तक, पेज नंबर 72 को तक सारा कुछ पढ़ोगे और जो इम्पोर्टेंट होगा आप रहने क्लास बस ओवर कर रहा हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारा चीज़ नोट डाउन कर लोगे और अच्छे से रखोगे, रिवाइज करते रहोगे। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सर हाँ सर, वो मैंने आपको थोड़े से डाउट्स भेजे थे थोड़े वीक पहले, मतलब थोड़े दिन पहले। नाम फर्स्ट चैप्टर के थे, एक बार मुझे हाई मैसेज कर देना, रीसेंट कर दो। ठीक है ठीक है।
read up to page number 72 and solve question 1, 2. ये दोनों सॉल्व करना है. और किसी को कोई डाउट है तो बता दो. बाय बाय. बाय सर. बाय, टेक केयर. सर ये स्लाइड शेयर कर देते हो ना? हाँ, मैं स्लाइड डाल देता हूँ. थैंक यू सर.